ताजमहल प्यार की निशानी है। तो हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। दोस्तों OTT प्लेटफॉर्म्स की हम बात करने वाले हैं। टॉप 5 OTT मूवीज बताएंगे इस वीडियो में जिसने सबसे ज्यादा कमाई अब तक OTT प्लेटफॉर्म से की है। नंबर 5 पे आती है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने दोस्तों 110 करोड़ के भारी बजट में खरीदा था। हालांकि ये फिल्म सिनेमाघर में आती तो शायद इतना खास प्रदर्शन नहीं कर पाती। OTT प्लेटफॉर्म के कारण फिल्म कमाई में रही और काफ़ी अच्छा इसने अपना बजट भी निकाला। फिल्म का कंटेंट फिल्म के ट्रेलर के लिहाज से सामने नहीं आया था, इसलिए OTT पर अब तक की ये सबसे महंगी टॉप 5 फिल्मों में 5वें स्थान पे है। और अजय देवगन ने टॉप 5 OTT राइट्स में कलेक्शन में अपना नाम अब तक तो हासिल कर रखा है। आइए अब बात करते हैं कि नंबर 4 पे कौन। नंबर 5 पे दोस्तों आती है इस फिल्म के बाद लक्ष्मी। लक्ष्मी को भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने लॉकडाउन में 125 करोड़ के भारी बजट में खरीदा था। ये फिल्म भी मात्र 40 करोड़ के बजट में थी। कंटेंट फैंस को पसंद नहीं आया, लेकिन OTT ने फिल्म का बजट निकाल के हिट का टैग दिलवाया। ये फिल्म उस समय तक की सबसे ज़्यादा व्यूज़ पाने वाली फिल्म भी बनी थी OTT पर, क्योंकि खिलाड़ी पहली बार OTT पर आ रहे थे और खिलाड़ी का जादू खूब चला और आज तक की OTT पर सबसे महंगी फिल्मों में टॉप 4 में उन्होंने जगह बनाई। चौथे स्थान पर अक्षय कुमार ने इस फिल्म से 125 करोड़ रुपए का OTT राइट्स का काफ़ी शानदार कलेक्शन किया और फिल्म को हिट का खिताब दिलवाया। अब आते हैं नंबर 3। अभी तो सिर्फ 3 इंच घुसाया है, अगर अब कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा और लिवर की जगह किडनी। इस फिल्म से थी दर्शकों को काफी ज्यादा उम्मीदें, सलमान खान की राधे वो भी OTT प्लेटफॉर्म पर, लेकिन राधे OTT पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। 250 करोड़ की भारी भरकम राशि इस फिल्म को मिली और OTT प्राइस के हिसाब से फिल्म सुपर हिट है, लेकिन कंटेंट फैंस को पसंद नहीं आया। यानी कि बॉलीवुड की जो टॉप 3 फिल्में हैं OTT प्लेटफॉर्म पर, तीनों ही कंटेंट वाइज तो फ्लॉप हुई, लेकिन अपने बजट को आसानी से निकाल के ले गई OTT के सहारे। और सलमान खान ने 250 करोड़ रुपए की भारी राशि भी हासिल की OTT प्लेटफॉर्म से, फिल्म सुपर हिट रही। नंबर 2। हाल ही में दोस्तों सलमान खान की राधे 250 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ा RRR ने। RRR फिल्म बॉक्स ऑफिस पे तो लगभग 1400 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा के ले गई। इसके बावजूद दोस्तों फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर काफी भारी राशि और 300 करोड़ रुपए मिली है। RRR तो खैर ऐसी फिल्म है जो OTT पर इसको खरीदने के लिए लड़ाइयाँ हुई और 300 करोड़ में फाइनली ये फिल्म जी और नेटफ्लिक्स पे बिक गई। इस फिल्म का कंटेंट जबरदस्त है और जल्द ही ये प्रीमियर भी हो जाएगी OTT प्लेटफॉर्म पर। फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में शामिल हुई। नंबर 1। आई कांट अवॉइड। मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। RRR के रिकॉर्ड को ज्यादा समय तक टिकने नहीं दिया KGF चैप्टर 2 ने और OTT पे इस फिल्म को दोस्तों मिले 320 करोड़ रुपए Amazon प्राइम पे। KGF चैप्टर 1 भी Amazon पे ही है और KGF चैप्टर 2 भी अब जल्द ही आपको Amazon पे दिखाई देगी। वर्ल्ड वाइड अब तक ये फिल्म 1200 करोड़ कमा चुकी है और भी कमाने बाकी है और OTT पर सबसे महंगी फिल्म होने का रिकॉर्ड KGF ने हासिल किया। ये थी OTT की टॉप 5 फिल्में। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल देखो देखो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।